हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट जॉन डन रिलीजियस वर्क। हम जॉन डन कर रहे हैं, ये हमारी लास्ट वीडियो है जॉन डन के ऊपर। एंड लेट अस स्टार्ट द रिलीजियस वर्क ऑफ जॉन डन। द फर्स्ट वर्क इज बेटर माई हार्ट। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 1617, उनकी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु के बाद में 1617 में, द पोएट इज सो गिल्टी अबाउट हिज डीड्स दैट ही सेड टू गॉड टू रैविश। वो बहुत ही गिल्टी थे अपने कर्मों पे और वो गॉड को बोलते हैं कि मुझे रैविश करो। रैविश मतलब रेप करो हिज बॉडी एंड मेक हिम चेस्ट, मुझे एंड मेक हिम चेस्ट, वो बोलते हैं मुझे चेस्ट बना दो। द पोएट हियर इज़ पिक्चरिंग द लवर ऑफ गॉड। इसमें दिखाया गया है कि जो पोएट है वो लवर है गॉड का। द पोएट प्रेज टू गॉड इन थ्री फोल्ड कैपेसिटी। थ्री फोल्ड कैपेसिटी में वो प्रेज कर रहे हैं गॉड को। कैसे? फर्स्ट में फादर, 3% गॉड, द फादर, सन एंड होली गोस्ट। सन कौन है? सन ऑफ गॉड क्रिस्ट। सन कौन है? सन ऑफ गॉड क्रिस्ट। द फर्स्ट वन इज फादर एंड द लास्ट थर्ड वन इज होली गोस्ट। इसमें बोला गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ही सेज फोर्सफुली टेक मी टू द होली पाथ। वो बहुत ही फोर्सफुली बोल रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप मुझे कैसे भी करके फोर्स करके मुझे होली पाथ पे लेके जाओ। गॉड हीज नॉक्ड एट हिम हैज़ ब्लोन हिज ब्रीथ एंड लाइटन द फायर ऑफ हिज लव एंड मर्सी टू प्योरीफाई हिम एंड रीशेप हिम। बोल रहे हैं मुझे प्योरीफाई करो, मुझे रीशेप, मेरा फिर से एक शेप बनाओ हिम। बट ऑल हिज मेथड एंडेड विदाउट अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इज टू टेक हिम बैक टू द होली पाथ। मुझे किसी भी तरीके से एक होली पाथ पे मुझे भगवान के रास्ते पे लेके जाओ। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। इसमें बात हुई है यूफर्ब टाउन की। इज ए टाउन जिसमें हमला हुआ था। कौन सा? यूफर्ब टाउन। इस पर हमला हुआ था और जिसे कैप्चर कर लिया गया था। ओके, एंड गॉड वॉज द किंग ऑफ दैट टाउन एंड नाउ दिस टाउन वॉज ऑक्यूपाइड बाई डेविल। अब इस टाउन को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? डेविल ने। ही लेबर टू लेट गॉड एंटर इन टू दिस टाउन। बोल रहा है कि आप उस टाउन में फिर से एंटर करो और जो वहाँ के सोल है उनको फिर से प्योरीफाई करो। ही इज़ कंपेयरिंग टाउन टू हिज बॉडी, और उसी टाउन से वो अपनी बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं कि उसी टाउन जैसे उस पर एक डेविल का हमला हुआ था, वैसे मेरी बॉडी के अंदर भी जो अच्छी बुरी कर्म थे उनका हमला हो चुका है, आप मुझे प्यूरीफाई करो। एंड वाइसराय ऑफ दैट टाउन इज रीजन। जो वाइसराय है वहाँ का टाउन का, वो कौन है? रीजन। एंड ही इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन टू सिनफुल एक्टिविटीज़। और वो भी सिनफुल एक्टिविटीज़, बुरी आदतों में इन्वॉल्व है, बुरे कर्मों में इन्वॉल्व है एक्टिविटी। ही सेज टू टेक मी फोर्सफुली टू द पाथ ऑफ गॉड। वो बोलते हैं कि मुझे फोर्सफुली लेके जाओ, कैसे भी करके लेके जाओ। ही सेज आई लव यू गॉड बट आई एम एंगेज्ड बी टेकन बाय डेविल। बोल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक डेविल के चुंगल में फंस चुका हूँ। ही सेज टेक मी विथ यू गॉड एंड इम्प्रिजन मी एंड नेवर फ्री मी। मुझे ले जाओ, मुझे कहीं पे भी इम्प्रिजन कर दो, मुझे कभी फ्री मत करना, आप अपने से दूर मत करना। इसमें ओपनिंग लाइन्स है बैटर माई हार्ट 3% गॉड। जहाँ पे 3% गॉड की बात होती है, समझ जाना कि बैटर माई हार्ट में रिलीजियस वर्क है ये जॉन डन का। ओके, तो इसमें ओपनिंग लाइन्स है बैटर माई हार्ट 3% गॉड एंड द क्लोजिंग लाइन्स आर टेक मी टू यू इम्प्रिजन मी। मुझे ले जाओ, इम्प्रिजन करो विथ यू लव। आई नेवर बी फ्री, मुझे कभी फ्री मत करना। आई नेवर बी चेज्ड, मुझे चेज मत करना। एंड एक्सेप्ट यू रैविश मी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे रैविश करो, मुझे रेप करो, कोई वो नहीं है। तो इसमें इन्होंने ये फुल्ली डिवोटेड थे गॉड की तरफ और गॉड को इन्होंने बोला है कि भाई मुझे आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे आप कैसे भी करके इससे निकालो, इस बुरी जो मेरे कर्म है उनसे निकालो, ये डेविल है बुरे कर्म और मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट वर्क इज़ डिवोशन अपॉन एमरजेंट एक्सकेशन। डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेशन। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही गॉट इनटू ए मोर रिलीजियस
उनकी वाइफ की डेथ के बाद में वो ज़्यादा और ज़्यादा रिलीजियस हो गए थे 1613 में। कोट था इसमें, नो मैन इज़ इन आईलैंड, इसमें कोट है, नो मैन इज़ इन आईलैंड, यू हैव टू रिमेंबर एंटायर ऑफ इट्सेल्फ, एवरी मैन इज़ ए पीस ऑफ कॉन्टिनेंट, ए पार्ट ऑफ द मेन। ठीक है, ये इसका कोट है, ये याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन में कोट है, नो मैन इज़ इन आईलैंड एंटायर ऑफ इट्सेल्फ, एवरी मैन इज़ ए पीस ऑफ कॉन्टिनेंट, ए पार्ट ऑफ द मेन। ओके, एक कोट और भी है, वो भी आपको याद रखना है, एवरी मैन डेथ डिमिनिशस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, ये एक कोट है। और वॉल्ट विटमैन ने इसके बारे में बोला है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ बिकॉज वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। वॉल्ट विटमैन ने बोले, इसमें एक कोट दिया है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ बिकॉज वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ठीक है, तो ये इनका कोट है, एंड देयरफॉर नेवर सेंड टू नो फॉर हुम द बेल टोल इट टोल्स फॉर थाई। इसका मतलब ये कोट है, एनी मैन डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, इसका मतलब है, एंड देयरफॉर नेवर सेंड टू नो फॉर हुम द बेल टोल इट टोल्स फॉर थाई। ओके, ये इसका आगे का कोट है। ये 20th सेंचुरी राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हम 20th सेंचुरी में पढ़ेंगे उनको, 20th सेंचुरी राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे यूज दिस टाइटल फॉर हुम द बेल टोल। हुम द बेल टोल किस में यूज़ किया गया है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, 20th राइटर है, उन्होंने ये यूज़ किया है। ठीक है, ये लाइन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम्स में, आपको याद रखना है। ओके, तो फॉर हुम द बेल टोल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे ऑफ 20th सेंचुरी राइटर। ओके, तो ये किस में से लिया गया है, डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन में से अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने ये लाइन ली है। ओके, फॉर हुम द बेल टोल, जॉन डन डेडिकेटेड दिस 23 सेट ऑफ पीसेस मेडिटेशन दिस वर्क टू प्रिंस चार्ल्स। उन्होंने ये 23 सेट ऑफ पीसेस मेडिटेशन के सर चार्ल्स को, जो किंग है, सन ऑफ किंग जेम्स वन, उनको डेडिकेट किया था, उनको दिया था। द बेल मेटाफोर, जो बेल का मेटाफोर है, जॉन डन इतना बीमार था कि वो बेड पर लेटा रहता था और चर्च की बेल बजते सुनता था और सोचता था कि जब मैं मरूंगा तब भी मेरे फ्यूनरल पर बेल बजेगी, इसीलिए फॉर हुम द बेल टोल, किसके लिए बेल बजी है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया गया है। तो बेल इसमें वो अपने बारे में भी बोलते हैं कि जैसे मैं बीमार हूँ, मैं ठीक होऊंगा, तो ये बेल मेरे लिए भी बजेगी, मेरे फ्यूनरल पे बजेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने ये 23 सेट ऑफ पीसेस एंड मेडिटेशन जो है वो चार्ल्स वन को गिफ्ट करी थी। द नेक्स्ट वन इज़ माइनर वर्क्स, हम कर लेते हैं इनके। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द माइनर वर्क्स ऑफ जॉन डन। जॉन डन के माइनर, डेथ ड्यूएल, द फर्स्ट वर्क इज डेथ ड्यूएल, डेथ ड्यूएल, 160 सरमोन ही रोट, 160 सरमोन्स इन्होंने लिखे हैं। सरमोन इन दिस ही टॉक्स अबाउट हिज ओन डेथ, ये दैट ड्यूएल मतलब डेथ के साथ ड्यूएल करना, लड़ाई करना। ओके, और इन दिस ही टॉक्स अबाउट हिज ओन डेथ, इसमें वो किसके बारे में बोल रहे हैं, अपने ही डेथ के बारे में बोल रहे हैं। आपको याद रखना है 160 सरमोन है इसमें। ठीक है, उन्होंने जो प्रवचन दिए थे वो बोले गए हैं। द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये एक पोयम है, हैव टू रिमेंबर दिस, ये एक पोयम है, रिटन इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्यूरे। ड्यूरे कौन थी, एलिजाबेथ ड्यूरे, हु इज डॉटर ऑफ रॉबर्ट ड्यूरे, जो रॉबर्ट ड्यूरे की डॉटर थी। ओके, और पॉटर मीन्स हु प्रोवाइड फंड्स टू राइटर्स, वो इनका पॉटर था। पॉटर क्या होता है, हु प्रोवाइड्स फंड्स टू द राइटर, जो राइटर्स को फंड देता है। तो कौन थे, एलिजाबेथ ड्यूरे, जो रॉबर्ट ड्यूरे थे उनकी बेटी थी एलिजाबेथ ड्यूरे, और रॉबर्ट ड्यूरे क्या करते थे, फंड्स देते थे राइटर्स को। ठीक है, राइटर्स को फंड प्रोवाइड करते थे, उनके ऊपर इन्होंने उनकी याद में, उनकी बेटी की याद में ये लिखा है, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ए पोयम। इन दिस ही यूजेस द सिंबल ऑफ फॉल ऑफ मैन, इसमें ये फॉल ऑफ मैन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
द नेक्स्ट इज नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसी डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे. नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसी डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, ये लिखा था इन्होंने 1627 में. इट इज़ रिटन इन 1627. इसकी लाइन्स है, कई बार पूछी जाती है, आई एम एवरी डेथ थिंग, आई एम फिल्ड विथ एब्सेंस डार्कनेस एंड डेथ. ठीक है, इनमें ये जो रिलीजियस वर्क है इन्होंने मोस्टली डेथ की बात की है. उससे पहले ये वो मेटाफिजिकल की बात करते थे, लव को मेटाफिजिकल तरीके से बताते थे. ओके, तो अब हम इसकी द फोर्थ वर्क है प्रोग्रेस ऑफ द सोल. द फोर्थ वर्क इज़ प्रोग्रेस ऑफ द सोल. एंड ये सिर्फ नाम नाम पूछते हैं इसलिए मैं इनकी डिटेल नहीं बता रही हूँ आपको. ये जो नोट्स है शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है, आपको अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगी. द फिफ्थ वन इज़ द टिक्खम गार्डन. द टिक्खम गार्डन कंपेयर ह्यूमन टीयर्स टू लव वाइन. इसमें इन्होंने लव वाइन के साथ ह्यूमन के टीयर्स को, आंसुओं को बताया है. ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज़ एलिजी ऑन जॉन डन्स वाइफ. ये होली सोनेट है नंबर 1617 में इन्होंने लिखा था, एलिजी ऑन द जॉन डन वाइफ. ओके, तो ये इन्होंने होली सोनेट लिखी है, नंबर 17 है होली सोनेट का. ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है वही ही मैं करवा रही हूँ. ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट, कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी ऑन जॉन डन वाइफ. जॉन डन वाइफ के ऊपर एलिजी कौन सी है? होली सोनेट नंबर 17. एज आई सेड आपको याद रखना है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी ऑन जॉन डन वाइफ. तो आपको याद रखना है होली सोनेट नंबर 17. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपेयर ह्यूमन टीयर्स टू लव वाइन. किसने ह्यूमन टीयर्स को लव वाइन से कंपेयर किया है? किसने किया है? जॉन डन ने. और किस में किया है? इन टिक्खम गार्डन. द आंसर इज इन टिक्खम गार्डन. यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन टिक्खम गार्डन. और एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सोल. प्रोग्रेस ऑफ द सोल के ऑथर कौन है? हम किसको पढ़ रहे हैं? जॉन डन. ओके, जॉन डन. तो ये आपको याद रखना है, प्रोग्रेस ऑफ द सोल के ऑथर है जॉन डन. इतना ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आज हमने जॉन डन अपना कंप्लीट कर लिया है. कल की वीडियो में हम करेंगे रिचर्ड क्रैशॉ. रिचर्ड क्रैशॉ, ठीक है, ये सन ऑफ द लंडन प्यूरिटन मिनिस्टर के सन थे. लंडन प्यूरिटन मिनिस्टर के बेटे थे. कल हम इनकी बारे में डिस्कस करेंगे. आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए. आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Thank you for watching my video. Thank you so much. Have a nice day.